हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। तो दोस्तों, जो भी छात्र आर्मी के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैंने लेकर आ गया बिहार आर्मी रैली भर्ती 2019 से संबंधित। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 7 जिलों के लिए आज से रैली शुरू, यानी कि 7 जिला, बिहार के 7 जिला के लिए आज से रैली स्टार्ट हो चुका है। कब किन जिलों की होगी दौड़? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कब कौन से जिलों की दौड़ होगा, जो कि 7 जिला है उसमें कब किन जिलों की दौड़ हो गए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दानापुर आर्मी भर्ती। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया दानापुर में आर्मी भर्ती होने वाला है, जिनका अंतिम तिथि 15/9/2019 तक दिया गया है। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छा तरीका समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले इस चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग में दिया गया है दानापुर में 7 जिलों के लिए भर्ती रैली आज से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दानापुर में 7 जिलों के लिए भर्ती जो होने वाला है, आर्मी का रैली होने वाला, वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आपको पूरा खबर को बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेना में सोमवार से शुरू हो रही भर्ती रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है। रैली 14 दिनों तक चलेगी, यानी कि आपको 15 तक लास्ट डेट दिया गया है, तो 15 तारीख तक, आज 2 तारीख है, तो 14 दिनों तक आपको रैली चलेगा। उसमें विभिन्न पदों के लिए रैली आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया सुबह में पटना, सिवान, भोजपुर, वैशाली, सारण और गोपालगंज, बक्सर जिले के युवक भाग लेंगे। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया जो 7 जिला है, यहाँ पर बताया गया पहला में पटना है, उसके बाद दूसरा में सिवान, तीसरा में भोजपुर, चौथा में वैशाली, पाँचवा में सारण, छठा में गोपालगंज और सातवां में बक्सर जिला। ये 7 जिलों के लिए, 7 जिलों के छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। आप आर्मी के रैली भर्ती में भाग ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह बातें बिहार झारखंड सैन्य मुख्यालय के भर्ती के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SH जग्गी ने रविवार को सेना भर्ती कार्यालय मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेना में काबिलियत के आधार पर भर्ती की जाती है। भर्ती प्रक्रिया की देखरेख के लिए सेना के विभिन्न जगहों से 6 पर्यवेक्षक बुलाए गए हैं, जो CCTV कैमरा, मैदान और अन्य माध्यमों से निगरानी रखेंगे। बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत होगी। रैली के दौरान दौड़ में सफल होने वाले युवकों का फिंगरप्रिंट तुरंत कंप्यूटर में भर दिया जाता है, जो 4 स्टेजों पर जांच की जाती है। फिंगरप्रिंट रहने से कोई दूसरा व्यक्ति अभ्यर्थी की जगह बीच में भाग नहीं ले सकता। उप महानिदेशक जग्गी ने बताया कि सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 24 नवम्बर व 19 जनवरी के आसपास होगी। यहाँ की दोस्तों, यहाँ पर जो दौड़ में पास हो जाएंगे उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि उनका जो अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे, अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा जो कि 24 नवंबर और 19 जनवरी के आसपास लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के इलाकों के नवंबर में और कटिहार के इलाकों की रैली भर्ती दिसंबर में होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है मुजफ्फरपुर के इलाकों में भर्ती जो होगा वो नवम्बर में, और कटिहार के इलाकों में भर्ती रैली जो होगा दिसंबर में लिया जाएगा। ARO कर्नल राजा गोपाल ने बताया कि बिहार के 7 जिलों के आयोजित सेना भर्ती रैली में सोल्जर, यहाँ पर देखिए दोस्तों पद दिया गया है सोल्जर GD, सोल्जर ट्रैकमैन, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक्निकियर, सोल्जर नर्सिंग सहायक आदि पदों के लिए भर्तियों को बुलाया गया है। तो ये 4 पदों दिया गया है, इनके लिए आप यहाँ पर रैली में भाग ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कब किन जिलों की दौड़ होगी, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो तिथि यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद 2 से 3 सितंबर तो पटना जिला के छात्रों के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए दौड़ होगा। उसके बाद 4 सितंबर सिवान व भोजपुर, 5 सितंबर भोजपुर, 6 सितंबर वैशाली व सारण, 7 सितंबर सारण, उसके बाद 8 सितंबर बक्सर व गोपालगंज, 9 सितंबर को भोजपुर व बक्सर के, और उसके बाद 10 के गोपालगंज सारण, उसके बाद 11 सितंबर को सिवान, वैशाली व सारण तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए दौड़ होगा यहाँ पर, और 12 तारीख को भोजपुर, सिवान और वैशाली, यहाँ पर भी 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए 12 सितंबर को दौड़ होगा। उसके बाद 13 सितंबर को बक्सर, गोपालगंज व सारण के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दौड़ होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 14 व 15 सितंबर को अतिरिक्त पदों के अभ्यर्थी में दौड़ भाग लेंगे, यानी कि लास्ट में दिया गया 14 व 15 सितंबर को अतिरिक्त पद जो होगा उनमें अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। जो भी आपके फ्रेंड है या दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि दानापुर में आर्मी रैली भर्ती के लिए आज से स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह की नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।